नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी दो प्याजा की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम भिंडी। तो इसको मैंने धो के अच्छे से पोंछ के और इस तरह से इसको कट कर लिया है। दो बड़े प्याज, तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बड़ा बड़ा कट किया है। चार पीस में करके मैंने इसको इस तरह से खोल दिया है। और एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, थोड़ी सी हींग, भिंडी को चौंकने के लिए दो हरी मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन और 8-10 कलियां लहसुन की जिसको मैंने बारीक काट लिया है। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, आधा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं, हींग डाल देंगे। अजवाइन के भुनते ही हरी मिर्च और लहसुन डाल देते हैं। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक भून लेती हूँ मीडियम गैस पर। लहसुन मिर्ची हमारी भुन गई है, प्याज डाल देते हैं और प्याज को 1 मिनट तक इसी तरह से भूनते हैं। प्याज 1 मिनट तक भुन गई है तो भिंडी डाल देते हैं और भिंडी डालकर इसे हम मसाले और प्याज के साथ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसे हम मिक्स करकर ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे जब तक कि हमारी अच्छे से भिंडी भुन ना जाए। तो भिंडी को ढके हुए 4 मिनट करीब हो गए हैं। तो देखिए भिंडी हमारी अच्छे से भुन गई है। इसे हम इस तरह से पलट देंगे और इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आधा चम्मच नमक। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले को मैंने भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसे हम ढक देते हैं 4 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे जिससे हमारी भिंडी मसाले के साथ अच्छे से मिल जाए, सॉफ्ट हो जाए। भिंडी को ढके हुए 5 मिनट हो चुकी है तो इसे चेक कर लेंगे। देखिए भिंडी हमारी अच्छे से पक गई है और मसाला भी देखिए इसके साथ अच्छे से चिपक गया है। और इसे मैं आपको देखिए दिखा चेक करा देती हूँ। देखिए भिंडी हमारी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। तो बस हमें इतना ही पकाना है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और आधा नींबू इसमें डाल देते हैं। नींबू को अच्छे से मिक्स करके इसे मैं सर्व कर देती हूँ। भिंडी दो प्याजा बनके हमारी तैयार है। देखिए बहुत ही टेस्टी खिली खिली भिंडी बनी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।